तो दोस्तों यहाँ पर YouTube अपने प्लेटफॉर्म पर अपडेट करता रहता है। काफी अपडेट आए थे कुछ टाइम पहले, लेकिन अब YouTube ने थोड़ा अपडेट लाना कम कर दिया है। लेकिन बात किया YouTube के और भी प्लेटफॉर्म में, जो कि बात की जाए बाइटी स्टूडियो ऐप, तो उसमें कुछ अपडेट किए हैं YouTube ने जो कि मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है। और यहाँ पर YouTube एक तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये अपडेट कई लोगों को देखने को मिल रहे हैं, कई लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना कि ये अपडेट आपको मिले हैं कि नहीं। तो फ्रेंड वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को अभी लाइक कर लेना। अगर आप मेरे चैनल प्रीमियर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सबसे पहले बात किया है तो यहाँ पर फ्रेंड्स बाइटी स्टूडियो का जो लोगो है वो चेंज कर दिया है। जैसे यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर देखोगे तो वो लोगो अब नहीं रहा है पहले वाला, लेकिन यहाँ पर अगर बाइट स्टूडियो को अपन जैसे ओपन करते तो वहां पर जो लोगो है वो पहले वाला ही देखने को मिलता है, यानी कि अभी उसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया है, लेकिन पहले वाला लोगो अच्छा लगता था। अब बात किया तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बाइटी स्टूडियो में आ चुका हूँ। तो बाइटी स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं जाता हूँ वीडियोज में, लेकिन ये क्या मैं आ चुका हूँ यहाँ पर चैनल के एनालिटिक्स में। तो यहाँ पर ऊपर की साइड ये क्या दिख रहा है कुछ अलग सा, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं वीडियो कल लाने वाला हूँ। ये क्या है सारा कुछ डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन अब मैं आ जाता हूँ वीडियोज में। तो यहाँ पर वीडियोज में मैं आता हूँ तो यहाँ पर क्या चीजें चेंजेस किए हैं तो उनके बारे में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूट्यूब ने जो कि बाइटी स्टूडियो में जो लोगो है यानी कि जो आइकन है उनमें चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर देखे जाएंगे तो यहाँ पर जो वीडियोज में आप देख सकते हो जो आइकन है वो पहले कुछ इस तरीके के थे और अब कुछ इस तरीके, यानी कि जो पब्लिश्ड है उसका आइकन कुछ अलग दिखता था। पहले जो डॉलर का आइकन था वो कुछ अलग दिखता था, पहले वाला जो आइकन थे वो काफी अच्छे लगते थे। उससे पहले भी यहाँ पर यूट्यूब ने जो चेंजेस किए इंटरफेस में, तो उसमें पहले पब्लिश्ड किए जो आइकन होता था वो ब्लू कलर का होता था, वो क्लियर दिखता था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे और भी चेंजेस करा। पहले वाले जो आइकन थे वो ज्यादा बेटर लगते थे, लेकिन अब वाले हैं जो कि नहीं दिखते हैं इतने खास और ना ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात किया इतना पतला कर दिया डॉलर को तो कि जैसे मतलब किसी की कलर ब्लेंड हो तो उसको तो दिखे ही नहीं कि यहाँ पर ये ग्रीन है या फिर ब्लैक है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जो पहले वाले जो आइकन थे वो काफी अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर आपको मैं क्लियर दिखा देता हूँ, चलिए किसी एक वीडियो पे पर्टिकुलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेंजेस किए गए, पहले कुछ अलग दिखता था लेकिन अभी कुछ अलग दिख रहे हैं, यानी कि चेंजेस किए गए। और यहाँ पर आपकी वीडियो अनलिस्टेड है तो उनके आइकन है वो भी चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पर है। उसके अलावा बात किया तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वीडियो की जो इंप्रेशन है या फिर वीडियो का व्यूज है वॉच टाइम है वो सब डिक्रीज मतलब इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो उनके भी एरो है उनमें भी चेंजेस किए गए। वो अपडेट अभी तक मुझे नहीं मिले हैं, आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि नहीं आपने स्टूडियो में, जो कि मैं बता रहा हूं एक्सपेरिमेंट है, यूट्यूब धीरे धीरे इनको अप्लाई करेगा। तो आप लोग कमेंट करके जो बताना ये अपडेट आपको मिलेगी नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंडों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। और अभी तक आपने इंस्टा फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।